हसेरन व सौरी ब्लॉक से 116 लोगों ने थामा एक दूसरे का हाथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सौरी ब्लॉक के अंतर्गत किरण मैरिज होम खड़नी में किया, जिसमें हसेरन ब्लॉक से 45 लोगों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। वहीं सौरी ब्लॉक से 75 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर सात फेरे लेकर जीवन पर्यंत साथ रहने की कसमी वादे खाते हुए हर सुख और दुख में साथ देने का वादा किया। कोई पहली बार वहां पहुंचा तो कोई वधु वर का इंतजार करने में लगा रहा। फिर आया वह समय जब शादी विवाह समारोह संपन्न हुआ। सरकार द्वारा चलाई जा रही विवाह योजना के अंतर्गत 118 जोड़ों की शादी होनी थी, जिसमें दो जोड़े न पहुंचने से दो मंडप खाली पड़े रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 116 लोगों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक कैलाश राजपूत, ब्लॉक प्रमुख हसीरन सीमा शाके, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक, गोविंद राजपूत, विनोद पटेल, समाज कल्याण अधिकारी लाल सिंह, सचिव हसीरन, वहीं भीड़ को काबू में रखने के लिए खड़नी चौकी इंचार्ज आलोक कुमार सौरी, थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ विवाह संपन्न होने तक देख रेख करते नजर आए। इस मौके पर कई भाजपा नेता मौके पर उपस्थित रहे। अभी कहीं नहीं। तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे लगते रहे। और एक चीज मेरे समझ में और आ रही है, अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जिन लोगों का ये शादी विवाह में पंजीकरण हो रहा है, ये सारा कंप्यूटर में ब्लॉक में फीड है। और मुझे लगता है जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गरीबों के लिए योजनाएं आएगी, तो मुझे लगता है जो नवदंपत परिवार है तो गरीबी की परिभाषा में ही आते हैं। हो सकता है इनको जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो योजनाओं का लाभ देंगे, तो मैं समझता हूँ लोग पहले पात्र हो जाएंगे। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसे वकील बोल रहा हूँ।